ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने अश्लील विज्ञापनों का मुद्दा लेकर आए। क्या इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ये हमारा आज का सवाल है। और अब तक कॉल करने वाले, एसएमएस करने वाले और फेसबुक पर हमको पोस्ट देने वाले सारे लोगों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन समाज में ये फिर भी जारी है। क्या इतने भर प्रतिक्रिया से ये बात रुकेगी? नहीं। इसलिए हमको अपनी प्रतिक्रिया को और बढ़ाना है और हम इस प्रतिक्रिया को इतना पहुंचाएंगे कि देश की सरकार को इस पर सोचना होगा, देश के सामाजिक संस्थाओं को इस पर काम करना होगा और आपको भी व्यक्तिगत तौर पर आगे आना होगा। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार, बोलिए। सुरेश जी, आज से कुछ महीने पहले मैं अपने एक दोस्त के घर में बैठा हुआ था, तो मेरे दोस्त का छोटी सी बच्ची थी जो अब हाथ में एक अखबार का टुकड़ा लेकर आई थी जिसमें एक कॉन्डम की एड थी। हेलो, हेलो, हाँ सुरेश जी, जिसमें एक कॉन्डम की एड थी और उस बच्चे ने आकर अपने पापा से यह बात किया कि पापा ये चॉकलेट मैंने लेनी है, ये देखिए इस पे चॉकलेट लिखा हुआ है। तो मेरा दोस्त, उसकी वाइफ और उसकी सिस्टर वहां पास में बैठे हुए थे, हम लोग आपस में एकदम शर्मिंदा हुए। बच्चे ने ये आकर ये बात कही, तो ये तो एक विज्ञापन है। हम बड़े बड़े ब्रांड के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपसे ये सर जानना चाहूंगा कि एक ब्लड बैंक को कोई अपना संस्था कोई अपना ये कैंप लगाती है ब्लड बैंक के लिए, तो उसमें बताइए कि किसका व्यक्ति को लेना चाहिए। मेरे शहर में एक ब्लड बैंक डोनेट करने वाली संस्था है जिसने अपनी एड में बड़े बड़े पोस्टर लगाए, उसमें एक बहुत बड़ी तस्वीर लगाई है सचिन तेंदुलकर की। अब बताइए, मेरे को ये बताइए कि सचिन तेंदुलकर ने क्या कभी देश के लिए एक ग्राम भी खून दिया है? केवल आकर्षण के लिए चेहरे यूज करने का ये जमाना है और उसका वास्तवता के साथ कोई संबंध नहीं होता। और ये अवास्तव जब होता है और उसमें सेक्स परोसा जाता है तो उससे बेटर चीज क्या हो सकती है, ये विज्ञापन बनाने वाले सोचते हैं और समाज ये मांगता है, इस नाम पर इसको लेके आते हैं। इस विकृति को रोकना होगा, इस विकृति को स्वीकृति देंगे तो आने वाला समय खराब है। तय करिए कि आपकी बच्ची, आपकी बहन और आपकी आने वाली पीढ़ी क्या वृत्ति के साथ समाज में जिएगी, सोचेगी और क्या करेगी। अगर उसको कुछ आप अच्छी तरीके से सोचना चाहते हैं तो इसका विरोध होना चाहिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, हेलो, हेलो, बोलिए। हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपका? जी मैं कहना चाहता हूँ, मोहम्मद जलाल बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। हाँ, हेलो जी सर, धन्यवाद। हम अगले कॉलर से बात करते हैं, अभी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार, नमस्कार सर, बोलिए। अच्छा सर, हम नागेश पांडे बोल रहे हैं सर, क्या कहना है आपका? ऐसा ऐसा है सर कि जो प्रचार दिखाया जा रहा है शक्ति प्रेस का, इसके बारे में बोलना चाह रहे हैं सर। बोलिए ना। ऐसा सर कि इससे जो सीन दिखाया जा रहा है बहुत बेकार सीन दिखाया जा रहा है, इससे हम बोल रहे थे कि जो घर पे दिखाया जा रहा है पब्लिक के बीच में तो बहुत बेकार दिखाया जा रहा है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यही आपके सामने लाना चाह रहे हैं और याद दिलाना चाह रहे हैं कि ऐसी चीजें जिसको रोज आप देखते हैं इसको क्यों स्वीकार करते हैं, इसका विरोध करिए। हम कॉलर को कहेंगे, जरा हम दोनों कॉलर के एक्सपीरियंस के बाद ये कहेंगे कि अपनी बात को सीधे बोलकर आप समय बचा सकते हैं लोगों का, क्योंकि बहुत लोग, लाखों लोग एक साथ प्रयास करते हैं और हम बहुत कम लोगों को बात रखने का मौका देते हैं, तो आप दूसरे का समय भी खराब ना करें। एक और कॉलर से बात करते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, हेलो, शायद ये कॉल होल्ड हुआ है, हम अगली कॉलर के पास चलेंगे।
आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम जानते हैं कि कई नए कॉलर होते हैं, पहली बार कार्यक्रम में कॉल करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे तो आप कार्यक्रम का समय बचा पाएंगे। बात करूं क्या? हाँ नमस्कार, बोलिए। मैं बोलना ऐसा चाहता हूँ कि ये तो बहुत गलत हो रहा है समाज के लिए, बट इसमें सब तरह के लोग इन्वॉल्व है। पहले तो जो देखने वाला है वो एंटरटेन कर रहा है, और जो दिखाने वाला है वो क्या सोचता है कि हमें पैसा मिलता है, जितना दिखाएगा उतना हमें अच्छा प्रमोशन मिलेगा और ब्रेक मिलेगा, कोई फिल्म में मेरे को अच्छा रोल मिलेगा, पैसा कमाऊंगा। इसके लिए दिखाने वाला अपना कपड़ा खोल के दिखाता है, जिसको ब्रेक चाहिए फिल्म में, और जो देखने वाला है वो एंटरटेन करता है। और इसमें पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक, देश का जो जनता है वो उसको अलर्ट होना चाहिए। तो देश का जनता क्या करता है, अपना बच्चे को जो, या छोटे छोटे बच्चे को उसको भी जो ड्रेस पहनाता है वो इतना गंदा ड्रेस पहनाता है कि वो सामने वाला देखने को भी उसको शर्म आता है। तो समाज जो है ना, समाज बहुत बदल गया है। समाज का सबसे बड़ा इफेक्ट होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें। समाज इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ये लोग। धन्यवाद। समाज इन्वॉल्व कहाँ है? समाज तो देखने में व्यस्त है, कुछ लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और कुछ लोगों को इसके बुरे परिणामों का अंदाजा ही नहीं है। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं अगर ये ऐसा ही चलता रहा। समाज में अश्लीलता बढ़ जाएगी। अगर ऐसे विज्ञापन टीवी और अखबारों में खुलेआम चलते रहे तो इससे समाज में भी अश्लीलता बढ़ेगी। युवा पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। जब हमारे युवा ऐसे अश्लील विज्ञापनों को देखेंगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमारे युवाओं का अगला कदम क्या होगा। हमारी युवा पीढ़ी भी इन्हीं अश्लील विज्ञापनों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगी। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा हमारे समाज का रास्ता। अच्छे विज्ञापनों से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज अच्छे विज्ञापन नहीं है, लेकिन जब लोगों से कहा जाएगा कि लड़कियों से मसाज कराएं, उससे भी जापानी, रूसी और इटालियन बताकर लोगों को चूना लगाया जाएगा, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कैसे विज्ञापनों पर विश्वास रहेगा। अच्छे प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो प्रोडक्ट वाकई अच्छे हैं और स्वदेशी हैं, जिनका शरीर पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे प्रोडक्ट अश्लील विज्ञापन वाले प्रोडक्ट के सामने अपनी चमक और प्रचार बरकरार नहीं रख पाते, जिससे यह अधिक से अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पाते। अश्लील विज्ञापनों के जरिए खरीदे उत्पाद से लोग बीमार होंगे। कई ऐसे विज्ञापन हैं जो दावे तो बड़े बड़े करते हैं, मगर आपको पता है ये आपकी सेहत के लिए कितने खराब हैं। कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंसान को नपुंसक तक बना सकते हैं। और ऐसे ही विज्ञापनों के हम शिकार हो रहे हैं, और ये पूरा ये किसी व्यक्ति का विषय नहीं है, किसी एक परिवार, एक शहर का विषय नहीं है, ये हमारे पूरे 125 करोड़ लोगों तक इसका परिणाम जाता है। और ये 125 करोड़ को मिलकर ही तो देश बनता है। अगर ये देश का नुकसान नहीं तो किसका नुकसान है? लेकिन इसको किसको पड़ी है ये चिंता है। और जब समस्या सबकी है और बोलने वाला कोई नहीं है तो रुकेगी कैसे? इसलिए हमने शुरुआत की है और आपको साथ देना जरूरी है। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ सर, नमस्ते, बोलिए। हाँ सर, मैं दिनेश जिसनी बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या कहना है आपका? हाँ सर, ये देश में सर भ्रष्टाचार के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ सर, नमस्ते। धन्यवाद। आप अपने टीवी पर कॉल को दोबारा सुनने के चक्कर में अपनी बात को रख नहीं पाएंगे। और जो बात भ्रष्टाचार की आप कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि अपने बच्चों के सामने ऐसे विज्ञापन को देखना भी तो भ्रष्टाचार है। क्या भ्रष्टाचार केवल आर्थिक होता है? क्या हमको भ्रष्टाचार केवल राजनेता का दिखता है? कोई बाप अपने बच्चे के मन पर हो रहे बुरे संस्कार को रोक नहीं पाता तो क्या उसका यह अपयश नहीं है? क्या उसको स्वीकृति देता है तो क्या सांस्कृतिक भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है? ऐसे नेता जो इसको सीधे जनता तक पहुंचने देते हैं, क्या वो भी कल्चरल पोल्यूशन नहीं ला रहे हैं? क्या ऐसे सामाजिक संगठन जिन्होंने इस पर काम करना चाहिए वो बोलते नहीं? ऐसे टीवी चैनल, ऐसे पत्रकार जो इस पर आवाज उठाते नहीं, क्या वो इस सांस्कृतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहे? इसलिए भ्रष्टाचार की बात केवल पैसे तक सीमित नहीं है, उससे तो नेता काली कमाई कमाएंगे यही तक है, लेकिन सांस्कृतिक भ्रष्टाचार तो हमारे संस्कृति के भविष्य को, हमारे पुरखों ने लाई इतनी महान परंपरा को काली पोथेगा, ये भी उतना ही गंभीर मुद्दा है। और एक कॉलर। नमस्कार जी, बोलिए। सर सर, ऐसे ऐसे विज्ञापन बिल्कुल बंद कर देने चाहिए जी। इससे बच्चों पर असर गलत पड़ता है।
हाँ जी बिल्कुल कहना चाहूंगा, लेकिन क्यों नहीं बंद हो रहे हैं? ये तो बंद नहीं हो रहे। क्या कारण मानते हैं आपकी क्यों नहीं बंद हो रहे हैं? इसके ऊपर कुछ कदम उठाना चाहिए ना जी। बिल्कुल धन्यवाद। हम कारण को नहीं समझ रहे हैं, ये कारण है कि इस विज्ञापनों को आपके सामने लाने की एक सोची समझी रणनीति है। विदेशी कंपनियां ये मानती है, ये ऐसे विज्ञापन आपको बाहर नहीं मिलेंगे। आपको खास करके विकसित देशों में विज्ञापन बड़े साइंटिफिक तरीके से किए जाते हैं। इसका कारण है कि वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट बनाया गया है, जिससे कि विज्ञापन के द्वारा आप ग्राहक को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं, ये भी देखा जाता है। भले वहां पर सेक्स परोसना कानूनन अपराध ना हो, लेकिन उसके द्वारा किए जाने वाले विज्ञापन को रिकॉल वैल्यू नहीं माना जाता, इसलिए वहां ये चीज नहीं है। हमारे यहां पर इसको हम गलत मानते हैं, और गलत चीज देखना इंसान का तो नहीं लेकिन पशु का स्वभाव है, ऐसा मानते हुए यहाँ के समाज को एक्सप्लॉइट करने का ही ये विदेशी कंपनियों का षड्यंत्र यहां शुरू हुआ, और अब इसमें देशी कंपनियां भी कूद गई है। और एक कॉलर, नमस्कार। हेलो बोलिए। भारती चाहता है कि अश्लीलता जो समाप्त हो जाए, पर ये जो इश्यू कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता है सर। और हर आदमी विज्ञापन देखता है तो उसको विज्ञापन देख करके मन ही मन गाली भी देता है, और ये उसके आगे विज्ञापन को बंद करने के लिए आगे आए कौन, ये अच्छा नहीं हो पाता है। क्योंकि आप मीडिया है, मीडिया वाले लोग अगर आपके तरह सभी लोग आवाज को उठाएं आगे बढ़े तो पब्लिक, सारी पब्लिक आपके साथ है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल धन्यवाद। और एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो सर। नमस्कार बोलिए। हाँ नमस्कार सर जी, ऐसे है जो आप ये दिखा रहे हो अश्लील समाज की जो है ना, ज्यादातर जमा हमारा समाज ही जिम्मेवार है सर। क्योंकि जो है जब कपड़े लेने जाते हैं दुकान पे तो वहाँ कहते हैं बहुत इतना पारदर्शी कपड़ा लेके आते हैं और पहनते हैं। तो एक बार मेरे साथ भी सर ऐसा हुआ था, मैं दुकान से गया भी अपनी लड़कियों के लिए कपड़ा लेने के लिए, तो वो कहने लगे, उन्होंने जो कपड़े दिखाए मैंने उनसे कहा भी पारदर्शी कपड़े अगर पहने होते तो ऐसे ही बाजार में आ जाते, तो क्या जरूरत है ऐसे नंगे नंगे कपड़े धुआने की बच्चों को, और ये नंगे अश्लील फोटो इधर से उधर मोबाइलों में भी होते हैं और टीवी पे भी होते हैं फिल्मों में, और ये ऐसे अश्लील चीजों से सर बचना चाहिए। मैं तो समाज से कहता हूँ कि आप इनका बहिष्कार करें। बिल्कुल ये बहुत अच्छा रास्ता आपने बताया है। जो बात यहाँ पर कॉलर ने कही है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, मार्केट में ही चीजें ऐसी बनकर हमारे सामने आ रही हैं, यही बात मैं बार बार पूरे कार्यक्रम में कह रहा हूं कि आपके ऊपर चीजें थोपी जा रही है क्योंकि आप इसका विरोध नहीं कर रहे। कुछ दिनों बाद आपको ऐसी चीजें अच्छी मिलने ही बंद हो जाएगी। अगर सारे ही दुकानों में सारे ही कपड़े पारदर्शी तरीके से मिलेंगे और आपकी बेटी उसको पहनना चाहेगी, क्योंकि टीवी पर आने वाले हर विज्ञापन में कोई ना कोई तथाकथित अभिनेत्री ऐसे ही पहनती है, तो उसके पास चारा और क्या रहेगा। इसलिए आने वाला भविष्य बड़ा ही डेंजर है, और इसलिए इस डेंजर को आज पहचान की इसका विरोध होना चाहिए। और एक कॉलर, नमस्कार। नमस्कार बोलिए। हाँ जी, इसलिए विज्ञापन तो बंद होना चाहिए। लेकिन हो नहीं रहे ना। हाँ लेकिन हो नहीं रहे हैं। हाँ जी हो नहीं रहे। तो क्या करना चाहिए? हाँ जी क्या करना चाहिए बंद करने के लिए? बंद करने के लिए आवाज उठानी चाहिए जी, इसको सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद। यहाँ पर एक पोस्ट आया है, पोस्ट में कहा गया है कि ऐसे अश्लील विज्ञापनों के खिलाफ काम करने वाले वेबसाइटों को ही सरकार ने अफवाह फैलाने के आरोप में बंद कर दिया है, तो देश और समाज के लिए अच्छा काम करने वाले आगे कैसे आए। ये पोस्ट किया है गोवा से प्रद्युम्न ने। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात अगर आप कॉल करके नहीं रख पा रहे तो facebook.com/sudarshan news पर जाके आप आज के विषय में अपनी पोस्ट को लिखें। और एक कॉलर, नमस्कार। नमस्कार बोलिए, क्या कहना है आपका? हाँ सुरेश जी नमस्कार, मैं वही फोन करता थे। इसका दो तरीका है, एक है ये जो विज्ञापन है उसको कार्टून के माध्यम से करना चाहिए, एक है। नंबर टू,
अगर कोई शरीर देखे शरीर दिखा के एडवर्टाइज कर रहा है उसको गवर्नमेंट 90% सही डालना चाहिए, 95% एक्सो रुपए को 95 डालना, ये दोनों तरीका अगर हटवा जाए तो फिर शायद कुछ समझ मिलेगा। बिल्कुल धन्यवाद, अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो बोलिए। हाँ नमस्कार जी। हेलो बोलिए। नमस्कार क्या कहना है आपका? हाँ मैं डॉक्टर दृश बोल रहा हूँ मेरठ यूपी से। हाँ बोलिए जी। जी आपका चैनल बेबाक चैनल है और पत्रकारिता में आपका आपको हम आपकी हिम्मत को दाद देते हैं। जो आप जिसमें आप इस समय जो विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं ये समाज ही हमारा ऐसा हो गया है पैटर्न कि हमारा समाज ही इसको स्वीकार कर रहा है और देखना चाहता है। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, बस इसका विरोध हम अपने घर पर ही कर सकते हैं, घर पर अपने बच्चों को ना देखने दें इतना ही हम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम पूरी तरह से अबॉलिश कर दें ये मेरे हिसाब से संभव नहीं है, क्योंकि इससे विज्ञापनों से उनको कमाई होती है और हम में से 50% मोर देन 50% ऐसे विज्ञापनों को देखना पसंद करते हैं। बहुत कड़वी और सच्चाई वाली बात बोली है, लेकिन अगर हमारे घर का कोई बच्चा गलत काम करता है तो घर का समझदार व्यक्ति आगे आकर उसको रोकने का काम करता है, इसलिए भले 50% समाज इसको देखने का काम करना चाह रहा हो, लेकिन मैं तो अगले 50% की बात करने के बजाय कहता हूं कि 1% भी समझदार व्यक्ति अगर इसको गलत समझता है तो उसने 99% लोगों को उसकी असलियत सच्चाई और उसकी उपयोगिता समझानी जरूरी है। ये काम आगे आने वाले लोगों ने करना जरूरी है, अदरवाइज हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहे बुद्धिजीवी कहे समाज सेवी कहे ये कैसा संभव है। रही बात अपने हमारे बेबाकी की कहीं तो ऐसे विज्ञापन ना चले, इसके लिए हम साल भर में करोड़ों रुपए का नुकसान सहते हैं, और ऐसे विज्ञापन अगर हमारे पास किसी कंपनी को आते हैं तो हम कहते हैं कि हम ये विज्ञापन नहीं चलाएंगे। और ये ना चलाने का हमको इतना ही फायदा हुआ है कि हमारा चैनल आप पूरे परिवार के साथ बैठकर एक साथ देख सकते हैं, ये भी व्यूअरशिप बढ़ाता है, लेकिन शायद इस देश के ज्यादातर चैनल वाले इस बात को नहीं समझ रहे हैं। और एक कॉलर। नमस्कार। दीपक बोल रहा हूँ मैं गाजियाबाद से। हाँ बोलिए दीपक जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था 15 साल पहले तो जब अश्लील विज्ञापन आते थे तो मेरे पिताजी बंद कर दिया करते थे टीवी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आज मेरी ये हालत है, मैं कहाँ कितने चैनल बदलू, बदल बदल के थक गया, और आज के समय में और ये लोग जानबूझ के गंदे गंदे मतलब विज्ञापन दिखाते हैं, रामायण महाभारत के सीरियल में के बीच में कॉन्डम के विज्ञापन दिखाते हैं, आप सोचिए कैसे देख सकते हैं, मतलब कुछ सब कुछ बर्बाद करके रख की कोई कुछ प्लानिंग ही नहीं है, और मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे लगता है कि विदेशों में इस तरीके की नहीं अलाउ करते होंगे जैसे ये लोग यहाँ पर भारत में कर रहे हैं, और ये सब बहुत सारे जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं बाहर से पढ़ के आए हैं और यहाँ पर भारत में अश्लील का प्रयोग पा रहे हैं जबरदस्ती। बिल्कुल धन्यवाद। प्रभु रामचंद्र के रामायण के सीरियल के बीच में आने वाले विज्ञापनों की बात जो यहां इन्होंने कही है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्या प्रभु राम का अपमान नहीं है? क्या राम भक्त अपने प्रभु राम को देखते समय बीच में ही ऐसे रावण की कोई प्रतिक्रिया आती है तो उसे रोकने का काम वो क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं उस टीवी चैनल को कॉल करते? क्यों नहीं वो उस प्रोड्यूसर को कॉल करते? आज इतना सब कुछ आसान हो गया है कि आपको किसी का भी फोन नंबर चाहिए तो आप 197 से ले सकते हैं, इंटरनेट से खोज सकते हैं, आप पत्र ईमेल और अपनी बात को पहुंचाने के सारे तरीके अपना सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे और हम कोई और करेगा इस भावना के साथ चुप बैठे हैं। ये चुप्पी हमको बहुत ही बुरे बुरे परिणाम की तरफ लेके जाएगी, इसलिए बोलिए। और एक कॉलर क्या बोलते हैं सुनते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी बोलिए। हाँ मैं प्रदीप काजन बोल रहा हूँ घर से। बोलिए सर जी। इनका बिल्कुल अश्लील जो जितने भी ऐड आते हैं इनका बिल्कुल खुल के विरोध करना चाहिए एक आम आदमी ने, और जितना भी ज्यादा ज्यादा इनका बहिष्कार करे और फोन करके इनका बिल्कुल कड़ाई और सख्ताई से इनका प्रदर्शन भी करना चाहिए, और अखबारों की प्रतियां जला के इनके खिलाफ थोड़ा बहुत प्रदर्शन भी करना चाहिए सामाजिक जो जितनी भी संस्थाएं हैं उन्होंने। और मैं तो एक नया नया ऐड आया उससे बहुत दुखी हूँ। अभी सुशील इतना बड़ा अच्छा मेडल जीत के आया है और उसने डू का एक ऐड किया है, बताइए उसने डू पी के कहां मेडल जीता है, वो घी दूध खाया है, कितनी बार अखाड़ों में दिखाया है, और सुशील ऐसे ऐड को कर रहा है। मैं तो सोचता हूँ ये ऐसी ऐसी कंपनियां इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को पकड़ के हमारे समाज के युवा बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, और इसका खुल के विरोध करना चाहिए आम आदमी ने, इसका बहुत सख्ताई से विरोध करना चाहिए सामाजिक संस्थाओं को। और हमारी सरकारें इतनी निकम्मी हो गई हैं, आंख बंद करके बैठी हैं और ऐसे लोगों का साथ दे रही हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है, धन्यवाद।
और सुशील जो हमारे पहलवान हैं उनको जरूर आप जो इंटरनेट के द्वारा अप्रोच कर सकते हो करिए। जो दिल्ली एनसीआर के दर्शक हैं वो सुशील पास में ही रहते हैं, उनको समक्ष मिलकर भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे लोग अगर आपके शहर में आते हैं तो उनको भी आप अपनी बात को रख सकते हैं। और एक कॉलर, नमस्कार। हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। सबसे पहले मैं आपको ये बधाई देना चाहूंगा, मेरी ओर से आपको खूब खूब बधाई। जो आपने मुद्दा उठाया है और ये आपका बिंदास फोन में हर रोज तीन हफ्ते में तीन दिन आता है, तीन दिन देखता हूँ, मेरे को सबसे बेस्ट तो ये पसंद आया। ठीक है सर जी, अभी आज आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत बढ़िया होता है। प्रतिबंध तो लगना ही चाहिए, क्योंकि नेताओं लोगों को तो पड़ी नहीं है ना, वो क्यों उठाए? उनकी बहन बेटी तो सुरक्षित है, वो क्यों उठाएंगे ऐसा मुद्दा के भी असली ये फोटो नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, पेपर में जो भी मुद्दा आता है ये गवर्नमेंट को एक्चुअल में जो चीज प्रोग्रेस आता है उसको जांच करना चाहिए, सही है कि नहीं है, ये गवर्नमेंट को ऐसा काम करना चाहिए। इनको तो कुछ पड़ी नहीं है ना, इनको क्या पड़ी? उनकी बहन बेटी सुरक्षित है, भारतीय जनता नेता एमएलए एमपी का सबका सुरक्षित है, ऐसे मैं वापिस से बोल रहा हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। और एक कॉलर से बात करते हैं, सुनते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। नमस्कार सर, क्या कहना है आपका? सर मैं सीहोर से बोल रहा था, भोपाल एमपी। सर जिस प्रकार से आजकल मेडिकलों या किसी भी दुकानदार के आसीन तस्वीरें रखी है कि उससे सर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। आजकल टीवी में सर कोई सा भी सीरियल वगैरह नहीं देख पाते, इस प्रकार के एड देते हैं या टीवी फिल्मों वगैरह चलती रहती है उनमें इस प्रकार की मतलब सीन दिखा देते हैं जिससे मतलब फैमिली के साथ बैठ ही नहीं सकते हैं। बताइए आप इसके बारे में। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है।